हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग फ्राइडे आफ्टरनून टू इवनिंग व्लॉग, जिसमें मैंने एक यमी सी आलू पैटीज की रेसिपी शेयर की है। और शाम को हम लोग थोड़ा सा बाहर गए, तो मैंने यहाँ पर कुछ ग्रोसरी शेयर की है, ऑल्सो बच्चों के कुछ क्लोथ्स और थोड़ा सा डीक्लटर। सो फ्राइडे आफ्टरनून है और लंच वगैरह हमारा हो गया है, तो मुझे ये वाला कैबिनेट जो है इसको थोड़ा सा क्लीन करना था, और जो भी एक्स्ट्रा कॉफ़ी मग्स वगैरह हैं वो हटाने थे। तो पहला स्टेप यही है कि मैं सारा सामान बाहर निकाल लूँगी, सो दैट मुझे पता लग जाए क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से मग्स हटाने हैं। तो इनमें से कुछ कॉफ़ी मग्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं बहुत, और इस कैबिनेट में इतनी जगह भी नहीं है कि मैं सब चीज़ों को रखूँ, नए पुराने सब कुछ। तो मैंने सबको बाहर निकाला, उसके बाद क्विकली एक वाइप कर दिया कैबिनेट को। एंड कुछ मेरे पास ये समर के लिए ग्लासेस हैं, ये मेरे पास अंदर रखे हुए थे, इधर जगह नहीं थी तो मैंने इनको उठा के अंदर रख दिया था। तो ये मैं समर के लिए निकाल लूँगी। एंड इस तरह से मैंने ये डीक्लटर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, या तो मैं इसे गुडविल में डोनेट कर दूँगी, या फिर हमारे सोसाइटी में एक जगह है जहाँ पर ना लोग सारा सामान रख देते हैं जो उनके काम का नहीं है, तो मैं वहाँ रखाऊँगी। अगर किसी के काम का होगा तो लोग ले लेंगे। और इसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, सो दिस कैबिनेट इज़ क्लीन। और अगर पार्ट्स में डिवाइड करके करें तो इट्स रियली ईजी टू डू क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग। उसके बाद मैंने फिर आलू पैटी बनाने के लिए यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और इसमें पानी ऐड करूँगी और प्रेशर कुकर में मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके 2 विसल्स लगा लूँगी। तो देखिए आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं, पील कर दिए हैं मैंने। और आलू पैटी का मिक्सचर तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, और इसमें मैं अब डालूंगी हींग पाउडर। उसके बाद मैं 1 छोटी चम्मच जीरा डालूंगी एंड 1 छोटी चम्मच राई डालूंगी। और ये सारी चीज़ें जब क्रैकल होंगी उसके बाद ग्रीन चिलीज़ और चॉप्ड अनियन ऐड कर दूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और मीडियम फ्लेम पे इन सब चीज़ों को फ्राई करूंगी। और मसालों में गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सारे मसाले ऐड करूँगी एंड देन मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी। आफ्टर दैट मैंने फ्रोज़न मटर ऐड कर दिए हैं। फ्रोज़न मटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, सॉटे करके थोड़ा सा ढक के पकाऊँगी। और देखिए फ्रोज़न मटर जो है वो पक गई हैं। एंड आफ्टर दैट बॉयल्ड पोटैटोज मैश करके ऐड कर दिए हैं, मिक्स इट सो दैट सारा मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए। सो ये देखिए अच्छे से सारा मसाला कोट हो गया है। आफ्टर दैट आई विल ऐड सम सॉल्ट इन दिस एज पर द टेस्ट, और खूब सारा फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, और गैस मैंने बंद कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमको, और बहुत ही अच्छा परफेक्ट हमारा मिक्सचर रेडी है टू मेक द आलू पैटीज़। इस स्टफिंग को हम समोसों में भी भर सकते हैं या फिर पराठे या सैंडविचेस में भी। तो मैंने इसको साइड में रख दिया है, ये जब तक ठंडा होगा, और तब तक मैं जो पैटीज़ के रोल्स हैं वो निकाल लेती हूँ। एंड टू गो विद द आलू पैटीज़ मैं क्विक एक चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्च, एक गार्लिक क्लोव और कुछ कच्चे आम के टुकड़े लिए हैं। सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी, और इसके एक चटनी की फॉर्म में पीस लूँगी। तो हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई। सो लेट मी शो यू, ये पफ पेस्ट्री शीट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने टारगेट से ली थी, और अभी ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो मैं इनको 1 घंटे बाहर रख दूँगी, ये डिफ्रॉस्ट हो जाएंगी। तो डिफ्रॉस्ट हो गई हैं शीट्स, थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, और एक शीट को मैं इस तरीके से लूँगी और एक नाइफ़ की हेल्प से बीच में से कट करूँगी। आफ्टर दैट मैं बेलन की हेल्प से थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसको थोड़ा और फाइन बेल लूँगी, सो दैट ज़्यादा मोटी ना लगे खाने में। और इस तरह से बेलने के बाद बीच में भरूँगी 2 बड़ी चम्मच भर के स्टफिंग, एंड 2 साइड में मैं लगा लूँगी थोड़ा सा पानी, सो दैट ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी इस तरीके से। एंड आराम से क्लोजली इसको धीरे धीरे इसको बंद करूँगी इस तरीके से, सो दैट फटे ना स्टफिंग के साथ। और इस तरह से इसको चिपकाते हुए हमको बंद कर देना है, तो हमारी जो पैटी है वो ट्राइंगुलर शेप की आएगी और प्रेजेंटेबल लगेगी। आप कोई और शेप भी बना सकते हो, बट ये कॉमन शेप है पैटी का, इसलिए मैं ऐसे बना लूँगी।
और यहाँ पर मेरी बेटी सिया की डिमांड पे यहाँ पर मैं एक बॉर्नविटा वाली पैटी भी बना रही हूँ, क्योंकि वो बोल रही है कि बॉर्नविटा फिल करके भी बना बना के ट्राई कीजिए। और यहाँ मैंने चीज़ भी फिल कर दी है, तो इस तरह से जस्ट फॉर द फन मैंने दो पैटी डिफरेंट तरीके से बनाई हैं। इस तरीके से मैंने सबको फिल कर लिया है और थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है जिसे मैं उठा के रख दूंगी फॉर लेटर सैंडविचेस और पराठास। सो डिनर की मैंने सारी तैयारी कर ली है और फ्राइडे है इसलिए कुछ डिफरेंट बनाने का मन था मेरा, इसलिए मैंने इसकी तैयारी की पैटीज की। तो अभी हम लोग कॉस्को जा रहे हैं और ग्रॉसरी वगैरह करके लेकर आएंगे और देखेंगे अगर समर के कुछ क्लोथ्स आए हुए होंगे तो बच्चों के लिए एक दो पेयर क्लोथ्स ले लेंगे। सो चलिए चलते हैं कॉस्को। हाय करो, हाय निकाल रहे। मम्मा अभी आप ड्राइव कर लो। मम्मी कैन यू फेस टू मी? हेलो भूमि, सो घर वापस आने के बाद मैंने पैटीज़ को 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको मैंने 10-15 मिनट्स के लिए रखा है, उसके बाद मैं पलटूंगी। जो है लो फैट योगर्ट, एक ये डब्बा लेकर आई हूँ मैं कॉस्को से। इसके अलावा लेट मी शो यू, और क्लोथ्स में मैंने ये भूमि के लिए एक पेयर लिया है, तो ये समर के क्लोथ्स हैं 24 मंथ्स बेबी के लिए। तो ये हैं टू पेयर्स बेसिकली, एक टी शर्ट और पजामी, एंड इन द सेम वे अदर वन। सो टू टी शर्ट टू पजामीज, एक पिंक या रेडिश जैसे कलर का है और एक इस तरह से स्कर्ट जैसी पजामी है। सो दिस इज़ द वन फॉर भूमि एंड फॉर सिया एज़ वेल। यहाँ पर हमने कुछ टी शर्ट्स लिए हैं उसके लिए, तो लेट मी शो यू। ये जो टी शर्ट के ऊपर गर्ल्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, इस तीन पैटर्न की टी शर्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस यूनिकॉर्न वाला डिज़ाइन है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अगेन कुछ मिक्सा डिज़ाइन है, एंड थर्ड वन जो है पिंक है एंड प्लेन है। इसके अलावा मैंने सिया के लिए कुछ शॉर्ट्स लिए हैं समर के लिए, तो ये एक लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू जीन्स मटेरियल का ये शॉर्ट्स है, और ये 5 to 6 ईयर्स वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा स्मॉल वाला है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके लिए, एंड लेट मी ट्राई कि कैसे आते हैं ये। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑरेंजेस का पैकेट है, एंड इसके अलावा एक बंच है ये वाटरमेलन का, एंड देन एक बंच है बनाना का, एंड इसके अलावा जो है ये मिल्क है, एंड ये बच्चों के लिए ऑर्गेनिक होल मिल्क है, एंड देन वर्का का एक पनीर है, दिस वन आई ऑलवेज़ यूज़ दिस, एंड ऑर्गेनिक पाइनएप्पल जूस ये पुष्पेंद्र अपने ने लेकर आए हैं, उनको अच्छा लगता है समर में पीना। सो ग्रॉसरी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, एंड गेटिंग बैक टू द आलू पैटीज़। तो ये एक तरफ से हो गई हैं और अब मैं इनको टर्न कर दूंगी। टर्न कर दी हैं पैटीज़ और फिर से मैंने 10-15 मिनट्स के लिए ओवन में रख दी हैं, तब तक मैं भूमि को डिनर करा देती हूँ। सिया को छोटे छोटे पीसेज में कट करके दिया है, काफ़ी गर्म है, सो वेरी केयरफुल टू ईट। सो सिया को सर्व कर दिया है और हम लोग भी अपने लिए ले लेंगे। तो अच्छे से ये रोस्ट हो गई हैं दोनों तरफ से और मैंने बाहर निकाल दी हैं ओवन से, तो देखिए परफेक्ट क्रिस्पी आलू पैटीज़ रेडी हैं, और इसके बाद हम इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। सो दिस इज़ आवर फ्राइडे डिनर, और फ्राइडे को कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है, तो बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट हम लोगों को। सो बच्चों का डिनर हो गया है और मैं और पुष्पेंद्र भी डिनर कर रहे हैं अभी, और साथ में इंडिया कॉलिंग भी कर रहे हैं पापा से। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, रीको की ये बेबी वाइप्स भी लेकर आई हूँ, तो भूमि के लिए लेकर आई हूँ। ये कुछ ऑफ़र में थी, और यूजुअली मैं क्रिकलैंड वाली बेबी वाइप्स लेकर आती हूँ, बट ये ऑफ़र में थी इसलिए ये बाई कर ली। सो लेट्स ट्राई कि कैसी होती हैं ये। सो आफ्टर द डिनर जो रूटीन वर्क है वो करूँगी कम्प्लीट, एंड विद दिस गाइज आई एंड अप माई वीडियो। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, और फ्राइडे नाइट है सो आई एम प्लानिंग टू वॉच अ मूवी। So bye everyone, good night and take care.